हेलो गाइस, पहलू नीति बड़ी न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे प्राइम वीडियो से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम वीडियो की एक नई मूवी जिसका नाम है एनाबेल 3। तो फाइनली ये हॉरर मूवी है और ये आ चुकी है हिंदी, तमिल, तेलुगु में। तो अगर आप घर पे बैठे हुए हो, कोरोना वायरस के चक्कर में निकल नहीं पा रहे हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रखा है प्राइम वीडियो का, तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। मूवी अच्छी है, इसके दोनों पार्ट भी पहले भी मुझे पसंद आए थे। देन उसी के बाद जो सेकंड मूवी आई है, सबकी फेवरेट होने वाली भी है, सबकी फेवरेट इस मूवी को जब आप देखोगे, ऑस्कर विनिंग पैरासाइट। तो ये हिंदी में आ चुकी है और अभी तक ये इंग्लिश में भी रिलीज नहीं हुई है, ऑफिशियली हिंदी में ही डब होकर प्राइम वीडियो पे आई है। तो आज के दिन ये लॉन्च हुई है। तो गाइस इस मूवी को जाके देखिए, इसे ऑस्कर अवार्ड मिले करीब 4 या 5। तो गाइस जाके देखो, मूवी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और इसका आज मैं रिव्यू जरूर दूंगा। व्हाट्सएप पर ऑफिशियली ब्लू रे लॉन्च हो चुकी है इंग्लिश में और जब हिंदी में रिलीज होगी तो मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे को उम्मीद लग रही है कि हाँ, शायद 2-3 दिनों में ब्लू रे इसका आ जाएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो गाइस नीचे लिंक है, जाके ज्वाइन करो। देन उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकंड पार्ट जून से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभी कुछ अपडेट आए हैं जिसमें कि पता चला है कि प्री प्रोडक्शन जून से स्टार्ट हो जाएगा और शूटिंग देखते हैं कब से स्टार्ट होगी। मे बी शायद अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी अगर कोरोना वायरस सही हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। देन उसी के साथ वैन वर्सेस सुपरमैन का जैक स्नाइडर ने एक ऑफिशियली इमेज लॉन्च करी जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है, जिसमें कि बैन अफ्लेक कोने में बैठूंगा अपना बैट सूट पहनकर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन सोनी ने ऑफिशियली मॉर्फियस का एक पोस्टर लॉन्च करा है जिसमें कि वो एक वैम्पायर लुक में नजर आ रहे हैं अंदर की तरफ से, आप देख सकते हो। अगर आपको ये पोस्टर देखना, डाउनलोड करना, तो आप जाके देख सकते हो। और देन आज लास्ट वीडियो अपडेट ये है कि डेविड हार्बर जो कि रेड गार्डियन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं ब्लैक विडो मूवी में, उन्होंने अगेंस्ट कह रहे हैं कि ब्लैक विडो को डिज्नी प्लस पे लॉन्च नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि ये मूवी थिएटर में लॉन्च होगी, क्योंकि जब मूवी इतने बड़े लेवल की और इसे डिज्नी प्लस पे लॉन्च कर देंगे तो फैंस को मज़ा इतना नहीं आएगा। तो ये डेविड हार्बर का कहना है पर्सनली। गाइज आप बताइए कि डिज्नी प्लस पे लॉन्च होनी चाहिए या थिएटर में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज को लाइक करें, रील में आपको वीडियो पसंद आए लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।